ओम गंगणपतये नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री महाकालै नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा सांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वाहिनी भैरवी रीं कारी त्रिपुरा पुरा परमयी माता कुमारेश्वरी प्रातस्काले कुमारी कुसुम कुमकुमा जप्यमाला जपंती मध्याने प्रौढ़रूपा विलसित वदना चारुनेत्रा विशाला सायान्ने वृद्धरूपा गलित कुचयुगारुंडमाला वहंती सा देवी दिव्य देवी त्रिभुवन जननी सुंदरी त्वाम नमामि। जगदंब 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 तुलजा भवानी जगदंब जगदंब तुलजा भवानी जगदंब 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 तुलजा भवानी। हे माँ हे भगवती हे जगत जननी हे जगदंबा हे नवदुर्गे आज नवरात्रि का सप्तम दिन आपका आज का स्वरूप अत्यंत दिव्य अत्यंत प्रकाशमय शौर्यपूर्ण निदीप्यापूर्ण और ओजसपूर्ण तेजसपूर्ण प्राज्ञपूर्ण है। आपके केश चारों ओर बिखरे हुए हैं, आपके तीन नेत्र हैं, कपाल में भी है, जैसे सूर्य चमकते हैं ऐसे तीनों नेत्र आपके चमकते हैं। आपके एक हाथ में खड़ग है, एक हाथ में कांटा है कृपाण, फिर भी एक हाथ तो वरद है आपका, एक हाथ में आपके पुष्प भी है, किंतु आश्चर्य है कि आपका जो वाहन है वह गर्दभ है, गधे की सवारी आप करती हैं। हे कालरात्रि, आप हमारी महानिशाओं की धात्री हैं। हमने जो अपने आध्यात्मिक साधना की उपासना का प्रारंभ किया था हमने मूलाधार से किया था, मूलाधार से प्रथम दिन में, द्वितीय दिवस में हम स्वाधिष्ठान में आए, तृतीय दिन की जो साधना थी वो मणिपुर की थी, चतुर्थ दिन की साधना वो अनाहत की थी, पंचम दिन की जो साधना थी वो विशुद्धाक्य की थी और षष्ठम दिन की साधना है वो आज्ञा चक्र की। आज आप सहस्त्रार में विराजित हैं, सहस्त्र कमलों में अगणित कमलों के मध्य में देदीप्यमान शोभित हैं। ये आपका ये स्वरूप इतना दिव्य है कि करोड़ों सूर्य के माफक आप प्रकाशमय हैं। आपके समक्ष दृष्टि करना साधारण वस्तु विषय का नहीं है, फिर भी आप बहुत ही कल्याणी हैं, आप दयामयी हैं, इसलिए आपका नाम शुभम करीबी है। हे जगत जननी हे जगदम्बा हे मातेश्वरी हम आपके श्री चरण में हैं। हे भगवती आप ही तो कल्याणी हैं, विश्व के कल्याण करने वाली, किंतु जहाँ जहाँ भी विध्वंस हो, जहाँ जहाँ भूकंप भी हो, जहाँ जहाँ मारी महामारी हो, वहाँ जाकर के आप अपनी करुणा की वर्षा करती हो। माते हम कहेंगे अभी कोरोना के मध्य से हम जा रहे हैं, आपकी करुणा की वर्षा करो, आपके तीसरे नेत्र से भी करुणा वर्षे, प्रेम वर्षे और दया वर्षे, आर्द्रता वर्षे, हम यही चाहते हैं। आपका जो वाहन है उसके ऊपर आप जो बैठी हुई है, आपके कमर के नीचे एक छोटा कति वस्त्र, बाकी दोनों पांव खुले हुए हैं, पांव में भी ध्रुजारी है, हाथ में भी बड़ा कंपन है, सिर भी हमेशा प्रलयकारी रहता है, क्यों इतना रूप है? क्योंकि आपके इस दर्शन से तमाम दुष्टों का संहार होता है।
जैसे कि गीता में कहा, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत होते हैं उनके विनाश के लिए ही आपका प्रादुर्भाव है। दुर्गा का, भगवती का, नवदुर्गा का ये आपका सप्तम स्वरूप है, किंतु आपके दर्शन के लिए हम लाला ही थे। हम आपकी साधना करना चाहते हैं, किंतु ये बहुत आवश्यक है कि ये देवियों की साधना करने वाला कोई भी हो, उनको अपने चरित्र को शुद्ध रखना चाहिए, वाणी में, विचार में, व्यवहार में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, हम कभी भी अशुभ विचारों को प्रश्रय ना दें। जहाँ अशुभ विचार है वहाँ देवी की कृपा नहीं है। यद मनसी तद वचसी तद कर्मणि, ये जो मन में है वो ही वचन में वो ही कर्म हो। हमारे जीवन में छल ना हो, हमारे जीवन में कपट ना हो, हमारे जीवन में दंभ ना हो, यही अगर हमारे जीवन में होता है कालरात्रि की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। ये सहस्त्रार का ध्यान क्या होता है, हमारा जो मस्तक के वहाँ सेरिब्रम है, सेरिबलम है, ये सेरिब्रम सेरिबलम है, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं। सेरिब्रम सेरिबलम है, मस्तक के भीतर के पानी में ही तैरते हैं, उनके अंदर भी एक और पानी है, उस पानी को सेरिब्रल फ्लूइड कहते हैं, वो ऊपर से नीचे तक बहता है। अगर हम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः नमः, काल रात्रि के इस ओंकार प्रणव स्वरूप का सिद्धासन में बैठ करके, सिद्धासन होता है बाएं पांव की एड़ी को हम अपने मूलाधार में स्थापित करें, दाहिने पांव की एड़ी को मणिपुर में स्थापित करें, और दोनों हाथ हैं उनकी ये वरल हस्त के रखे, और नहीं तो कल्याणी मुद्रा में रखे। ऐसे करके हम प्राण अपान उदान व्यान समान का ध्यान करें, और धीरे धीरे प्राण से हम आपको भीतर लें, अपान से बाहर छोड़ें, अपान से बाहर लें, भीतर से छोड़ें, तो ये बाएं से सांस लेकर दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ना, ये जो स्वरूप है वो आपका ये प्राण का स्वरूप है। इसी प्राण से ही आप ये जगत के प्राण की रक्षा करते हैं। जगत के अंदर में जो भू व स्व मह जन तप सत्य अतल पाताल वितल सुतातल 14 भवन की आप रक्षा करना रही है। देवी हम आपको प्रणाम करते हैं, हे कालरात्रि, हे जगदम्बा, भयंकर आपका स्वरूप होते हुए भी आप अभयंकर हैं, हे जगत जननी माते कृपा करें। और आज सप्तम दिन में जो दुर्गा सप्तशती है, तो दुर्गा सप्तशती में आज ये 12वें और 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है। आज 12वां और 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है, उसके बाद में सिद्धकुंजी का, और उसके बाद में क्षमापना सिद्धकुंजी का पढ़ना ही पड़ेगा, और पहले जो पूर्वार्ध के कवच अर्गला किलक पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हमारे 12वें 13वें अध्याय में क्या है, 11वें अध्याय में क्या था, देवी की स्तुति है, देवी की स्तुति रही, देवी के अलग अलग रूपों के अवतरण की बात की गई, और 12वें 13वें अध्याय में देवी ने कहा मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूप में प्रकट होंगी, दुर्भिक्ष में कैसे रूप में आऊँगी, जब अनराधार वर्षा होगी तब मैं कैसे आऊँगी, दुर्भिक्ष कैसे हो जाएगा तब आऊँगी, ऐसे कहते कहते जब भोजन नहीं मिलेगा तब मैं शाकंभरी देवी बन के आ जाऊँगी, ये तमाम देवी ने कहा। 13वें अध्याय में क्या कहा देवी ने, 13वें अध्याय में देवी ने कहा है कि ये जो पहले अध्याय में हमने बात की थी, समाधि नाम का वैश्य और सुरथ नाम का राजा है, उन दोनों को कहा आपने ये बात सुनी है, अब आप ध्यान करो। यहाँ ये 12वां 13वां अध्याय है, समापन होता है, और आगे क्या कहा अब हम कल कहेंगे अष्टमी के दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकालेय नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जगदम्ब 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 तुलजा भवानी। जगदम्ब 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 तुलजा भवानी। जगदम्ब 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 तुलजा भवानी। तुलजा भवानी। आज पवित्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पूजा का दिन। भगवती जगज्जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके माँ नवदुर्गा का ये अष्टम स्वरूप वो महागौरी है, कल्याणी है वह। जैसे कि सरस्वती जी की आराधना में कहा गया कि कुंदेन्दु हार धवला, कुंदेन्दु हार, कुंद इंदु, कुंद एक कर्पूर के माफिक, सुवर्ण के माफिक, इंदु चंद्रमा के माफिक। तो हे देवी, आपका भी स्वरूप एक कुंद और इंदु के समान है, प्रकाशमय, तेजोमय, सुवर्णमय और अत्यंत दिदीप्यता से परिपूर्ण शांत स्वरूप है। किंतु फिर भी आपका ये बालिका स्वरूप, गौरी स्वरूप क्यों है? क्योंकि आपने भी हिमसुता, शैलसुता, शैलपुत्री पार्वती के स्वरूप में जब आप कल्याणी बालिका थी 8 वर्ष में बहुत घोर तप किया था। ऐसा तप इतनी आयु में किसी ने भी नहीं किया। चारों ओर हाहाकार हो गया था, देवता लोग त्राही त्यारी कर रहे थे, क्योंकि आपके तप से ब्रह्मांड जलने लगा था। आपने प्राण का निरोध किया, सर्वत्र प्राण को चलना बंद हो गया। आपने अन्न जल त्याग कर दिया था। आपकी तपश्चर्या से ये भू भुव स्व, ये अतल वितल पाताल, देवलोक पाताल लोक, तमाम लोक के अंदर में त्राही माम त्राही माम त्राही माम, पाही माम पाही माम पाही माम। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम जानते हैं हम आदि शक्ति हैं, आप पराशक्ति हैं, इच्छा शक्ति हैं, क्रिया शक्ति हैं, ज्ञान शक्ति हैं। आप ही तो दुर्गा हैं, आप ही तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हैं, आप ही हे जगन माते सब कुछ है। आपका दाम्पत्य जीवन तो शिव से होना ही होना है। कृपा करके अभी आप इस युद्ध को, ये आपके जीवन में जो संघर्ष कर रही है उसको आप शांत करो। आत्मिक कबंडलू लेकर के, आपने जपमाला लेकर के स्थित, और वृषभवाहिनी नंदी वाहिनी ये माता हम आपको प्रणाम करते हैं। अब तक हमने प्रारंभ किया था मूलाधार से, मूलाधार से प्रारंभ करके द्वितीय दिन में जो साधक लोग ध्यान कर रहे थे स्वाधिष्ठान में, तृतीय दिन जो ध्यान हुआ है वो मणिपुर में हुआ, चतुर्थ दिन में जो हुआ अनाहत हृदय में हुआ।
पांचवें दिन जो ध्यान था वो कंठ में विशुद्ध में हुआ। विशुद्ध कहता है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लाइफ। विशुद्ध क्या है? हमारे जीवन में अंदर बाहर एक ही प्रकार का विचार हो, दंभ ना हो, छल ना हो, क्लेश ना हो, काम ना हो, राग ना हो, यही हमारे जीवन की भावना रही तो विशुद्ध। ये हमारे कंठ में ध्यान था। उसके बाद में ये जो हमारा ध्यान रहा सप्तमी का ध्यान, वो आज्ञा चक्र में था, पिट्यूटरी ग्लैंड में था, ज्ञान में, प्रकाश में, विकास में। और सप्तमी दिन का जो ध्यान था वो हमारे सहस्त्रार में था, होल सेरिब्रल सिस्टम में था। ये सेरिब्रल सिस्टम की जो उपासना है ये आज अष्टम दिन में वो अधिक विकसित होती है। क्यों? कल जैसे हमने कहा था कि ये हमारा मस्तिष्क है, उसमें चारों ओर पानी है, पानी के बीच में सेरिब्रम सेरिबलम है, वही तो आदिशक्ति महाशक्ति है, और उनके भीतर भी पानी है, उसको बोलते हैं कि सेरिब्रल फ्लूइड, वो ऊपर से नीचे तक जाता है। यही माँ कल्याणी आपका रहस्य है, हे जगदम्बा आपका रहस्य यही है, जो करुणा की धारा आप ऊपर से नीचे कर रही है। ये आपकी उपासना से, मूलाधार से प्रारंभ करके सहस्त्रार तक जब ओमकार के जब से आता है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः, प्रणव के नाद से, प्रणव के जप से, हे गौरी आपकी साधना से, आपके ध्यान से, आपके दिव्य भव्य स्वरूप से जो साधक लोग साधना करते वो कुंडलिनी को जागरण कर सकते हैं। किंतु कुंडलिनी जागृत अगर हमारे जीवन में यम और नियम नहीं है, व्यक्तिगत संयम और सामाजिक संयम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान और आसन सिद्धि, एक ही आसन में एक ही स्वरूप में बैठना, देवियों की उपासना है वो पश्चिम में मुख करके की जाती है। हमारी देवी भी पश्चिमा बैठी हुई है, पश्चिम में मुख ताकि वो हमारा कल्याण करे। क्या कल्याण करे? हमें अपने ओर से रिद्धि सिद्धि प्रदान करे जो आपका नवा स्वरूप आएगा। किंतु यहाँ हम जब आपके सम्मुख बैठते हैं तो हमारा मुंह पूर्व में होता है, तो पूर्व में होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जगदम्बा का मुंह जब पाश्चिमात्य हो और साधक का मुंह उनके सामने पूर्व में हो तो साधक को सहस्त्रार का चिंतन करते हुए ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैं जगदम्बा की महागौरी की उपासना करता हूँ। नहीं, महागौरी का जो वाहन है वो वृषभ है, वो नंदी है। ये वृषभ क्या है? जो पहले अध्याय में कहा था वृषभ वाहन वाले, पहले दिन में कहा था हाँ प्रथमम शैलपुत्रिश्च, तो शैलपुत्री का वाहन भी नंदी था। नंदी चतुष्पाद है जिसके जीवन में धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म माने जो हमेशा शाश्वत चिंतन कल्याण का करता है, जो कल्याण का काम ही है, कल्याण के अतिरिक्त जो कुछ सोच नहीं सकता है। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं सर्व लव गिव प्यूरिफाई मेडिटेट रियलाइज, बोलते थे सर 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 सेवा करने का कोई मौका ना छोड़ो, सबको प्रेम करो, सभी से मिलजुल के रहो, लव ऑल एंड हेट नन, यही तो है गौरी, क्योंकि आप बालिका स्वरूप है। और इसलिए आज अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। आठ कन्या हो एक बटुक जिसको भैरव कहते हैं, उनके श्री चरण को प्रक्षालित करना, उनको नए वस्त्र देना, चंदन चर्चा देना, आभूषण देना, उनको भोजन देना, उनकी आरती करना, फल मिठाई भोग नैवेद्य दक्षिणा से परितृप्त करना, ये हे गौरी देवी आपकी पूजा, ये कन्या पूजा है। क्योंकि आपकी आयु आठ ही वर्ष की मानी गई है, आपका मन में एक ही संकल्प रहा अगर मेरा विवाह कभी हो तो शिव जी से ही होगा, इसे दृढ़ संकल्प वाली हमेशा शुभ विचार करने वाली ये कन्या हो इसलिए उनकी पूजा की जाती है। हे देवी आज हवन भी किया जाता है। हवन का अर्थ क्या है? जब पहले दिन से प्रारंभ किया था दुर्गा सप्तशती का पारायण, तो प्रथम दिन में हमने पहला अध्याय पढ़ा, दूसरे में हमने दूसरा तीसरा पढ़ लिया, तीसरे दिन में चौथा अध्याय पढ़ा, और चौथे दिन में पाँच छः सात आठ, पाँचवें दिन में नौ दस, छठे दिन में ग्यारह, सातवें दिन में बारह तेरह,
अभी आठवें दिन में इन तमाम का जो दशांश है, तो ओम श्री दुर्गा ये नमः, 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 नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, नहीं है तो ओम दुर्गे स्मृतारसि वीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुःख वैहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदारचित्ता स्वाहा। अधिकांश तो नवचंडी की जाती है और आपके 700 मंत्रों का कवचर गला किलक और देवी अथर्व शीर्ष 13 अध्याय क्षमापना और सिद्ध कुंजिका के जो मंत्र होते 1300 से अधिक हो जाते उनके हवन में आहुतियां दे करके। बाकी हवन के आहुति श्रीफल होता है, किंतु आपके इस अष्टमी के हवन की जिसको लक्ष्मी हवन कहा जाता है बिल्वपत्र और बेल फल की आहुति होती है। बेल फल को साबुल नहीं डाला जाता है, बेल फल के टुकड़े करके फिर आपके देवी कमले कमलाक्षी इत्यादि मंत्र बोल करके ये बेल फल को भी आहुति की जाती है। हवन है, हवन का हेतु क्या है, हवन का लक्ष्य क्या है, क्या घी डालना है, क्या धूप डालना है, क्या पंचगंध डालना है, क्या अस्तगंध डालना है, नहीं है। ये हवन जो है वो पावकता का प्रतीक है, पवित्रता का द्योतक है। हे माँ, आठ दिन में हमारा कर्तव्य था नवरात्रि में हम संयम का जीवन यापन करें, हमारी विचार वाणी व्यवहार शुद्ध हो, एक स्वप्न में भी हमें दुर्विचार उत्पन्न ना हो। फिर भी क्या कहा है, यही कहा है क्षमस्व में क्षमस्व में क्षमस्व में। हे मातेश्वरी, जानते अनजानते हमारी कोई भी त्रुटि हुई हो हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं। जो आहुतियाँ दी जाती है वो आहुति हमारी कामना की आहुति है, हमारी वासना की आहुति है, हमारे दुर्विचार की आहुति है, हमारे दुर्व्यवहार की आहुति है, ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो। नवरात्रि के अष्टम दिन के बाद में नवमी में जब हम प्रवेश करें तो दुर्गा की कृपा हमको, जो नवमी है वह अष्ट सिद्धि प्रदायक देवी है, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो। ये आठ दिन में प्रतिदिन जो हम साधना करते हैं, एक नियम यह भी है कि हम चंडी पाठ करें या दुर्गा का मंत्र का जप करें या तो चंडी पाठ के क्रमशः पारायण करें, इनके पीछे ऐसे ही नहीं छोड़ना ओम नमो नारायणाय अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 माला का जप जरूर करना चाहिए। क्यों? देखिए, ये दुर्गा है और हनुमान है, दोनों ही जल्दी से रिझने वाले, जल्दी से खिंचने वाले हैं। इनकी साधना में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इनकी साधना में जागृति पूरी होनी चाहिए, इनकी साधना में देदीप्यता पूरा होना चाहिए, इनकी साधना में पूरा काया से वाचा से मन से इंद्रिय से जानते अनजानते पूरे संयम के साथ में। देखिए, पहले तो संयम ये होता था कि स्नान करने के बाद में मलमूत्र का त्याग किया तो वो कपड़े और वह शरीर ने फिर से स्नान करके मंदिर में जाना, रेशमी वस्त्रों को धारण करना, ऊन के वस्त्रों को धारण करना, दे नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी थे, ये मंदिर के प्रवेश में किसी को प्रवेश नहीं होता था। ये क्यों है? वो आचार शुद्धि है, आचार प्रभव धर्म। इसलिए हे जगन माते, हे कल्याणी, आज के इस अष्टमी के दिन में हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारा जीवन है देदीप्यमान हो, मंगलमय हो, चैतन्यमय हो, अंतर मम विकसित करो अंतरतर हे। दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करे, ब्रह्मचारी सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे हे जगदम्बा। हमारा यही जीवन हो, यही प्रार्थना है। भगवती प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
गंगम गणपतये नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री महाकाल्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मीर्मे जाग्रत पातु कमला पातु पृष्ठत नारायणी शीर्षदे से सर्वांगे श्री स्वरूपिणी राम पत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रामेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिराम जयंकरी महोदरी श्रीकृष्ण परायणा देवी श्रीकृष्णामनमोहिनी जयंगस्तु सदावतु भवबन्ध्वादिमोचये। गंगे त्रैलोक्य सारे सकल सुरवधूद्योतविस्तीर्णतोये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिचरण रजो हारिणी स्वर्ग मार्गे शातव जलगणिका ब्रह्महत्यादि पापे कस्त्वां स्तोतुं समर्थ श्री जगदधरे देवी गंगे प्रसीद देवी गंगे प्रसीद देवी गंगे प्रसीद जगत जननी माँ जागो 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 हे माँ जागो माँ जागो 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 तम इंद्राणी तम कल्याणी महालक्ष्मी माँ जागो गायत्री सावित्री सीता सत्या हे मधु कटमयी मदनी जागो महामाया कात्यायनी दुर्गा जागो जागो कुलकुंडलिनी जागो कुलकुंडलिनी जागो कुलकुंडलिनी जागो 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 सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जगदम्ब 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 तुलजा भवानी 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 हे माते हे जगदम्बा हे राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके माता आपके श्री चरणों में प्रणाम 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 प्रणाम। शुभम भवतु मंगलम भवतु कल्याणम भवतु। आज नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि का नवमा दिन है जब साधक क्रमशः शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी की मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार में प्रामाणिकता से विथ ऑल बीइंग ए ट्रू टू इट्स हिम ओन सेल्फ करता है तब माता की कृपा से उसको
अष्ट सिद्धि नव निधियाँ उपलब्ध होती हैं। ये सिद्धि क्या है? वो जो हमारी जगन माता महामाया सीता जी के स्वरूप में जब रही, यही नव दुर्गा थी वह। हनुमान जी साधक रहे, हनुमान जी ने समुद्र उल्लंघन जब किया, उन्होंने सत्व रजस तमस तीनों के ऊपर अतिक्रमण किया, मेढाक पर्वत आया, प्रणाम करके निकले, सुरसा के मुंह में से निकले, अक्षिणी को मार दिया। प्रत्येक साधक के जीवन में ये सत्व तमस और रजस आते हैं। साधना करने से कुछ लगता है हम कुछ, हमारे जीवन में कुछ हुआ है, वैसे होता नहीं, इसलिए हम प्रमाद में आ जाते हैं। आप लाल कपड़े पहनो, तिलक लगाओ, लोग आपको प्रणाम करेंगे, ये हो जाएगा दंभ, ये हो जाएगा छल, ये हो जाएगा कपट। हे माते, आप तो कल्याणी हैं, वहाँ रिद्धि क्या सिद्धि क्या कुछ उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी महाराज ने जब ये लंका का दहन किया जगदम्बा को, जगन माते महालक्ष्मी महा सरस्वती महादुर्गा सीता माता को प्रणाम किया, तो माता ने क्या कहा? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आपकी जो उपासना करेगा उसको अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिलेंगे। हनुमान जी खुश नहीं थे। तब जगन माता को ये ध्यान हुआ, ये कोई कामना ईष्णा मोह का जानने वाला नहीं है, ये शुद्ध मन का साधक है। तब कहा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब हनुमान जी प्रसन्न हो गए। दुर्गा की इस नवमी स्थिति जो अष्टदात्री अष्टलक्ष्मी प्रदायक है, जो अष्ट सिद्धि प्रदायक है, वो नवमा जो स्वरूप है वह देवताओं को भी असाध्य है। अणिमा गरिमा लघिमा और इतनी काफ़ी सारी सिद्धियाँ जिसमें ऐसा होता है कि वो सूक्ष्म बन सकते हैं, वो बड़े बन सकते हैं, विराट बन सकते हैं, दूर की बात सुन सकते हैं, दूर की बात देख सकते हैं, किसी का मन की बात, ये तमाम सिद्धियाँ आपके कृपा के वरदान से प्राप्त होती हैं। किंतु ये किंतु और परंतु बहुत जरूरी है दुर्गा की साधना में। भगवती की कृपा होने पर हमारे ऊपर कृपा हुई है, उसका आडंबर साधक को नहीं करना चाहिए। आपकी साधना आपके और जगदम्बा के दोनों के मध्य में होनी चाहिए। जैसे कि किसी कन्या का विवाह हुआ, अब उन पति पत्नी का दाम्पत्य प्रेम कैसा है वो तीसरे को जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रत्येक साधक को चाहिए वो जगदम्बा के किस स्वरूप की वह साधना कर रहा है, वह शैलपुत्री की साधना कर रहा है कि वह महागौरी की साधना करता है, किसी भी स्वरूप की साधना करे, इट शुड बी बिटवीन हिम एंड द जगदम्बा। द गॉड इज मदर, भगवान है हमारे यहाँ मात्र स्वरूप धारण करके आए। ये अष्ट सिद्धि प्रदायिनी जगदम्बा स्वयं माता केवल नहीं है, क्योंकि जब महिषासुर का बड़ा आतंक हुआ था, ब्रह्मा ने विष्णु ने शिव ने इंद्र ने चंद्र ने वरुण ने अरुण ने तमाम ने अपने तेज दिए, उसमें से ये नवदुर्गा का प्रागट्य हुआ था, सिंह आप बनी थी हे जगदम्बा। इसलिए तमाम देवी देवताओं की शक्ति ऊर्जा क्षमता आप में है, इसलिए ही आप अष्ट सिद्धि अष्टप्रदायिनी है। और आज जो नवमा दिन है तो वहाँ पर कवच अर्गला किलक और शक्रादय पाठ, बाद में ये क्षमापना और अंत में हम ये सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं। हे देवी, हमारी इस पूजा में, हमारी इस आराधना में, हमारे इस वाक पुष्पों में कहीं भी त्रुटि हो, क्षमस्व में
क्षमस्व मे। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, करुणा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 मा मा मा।